आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का ये आदेश है और ये आदेश 10/5/2022 यानी कल के डेट में ये आदेश दिया गया है। अगर इस आदेश की बात करें तो समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद चंदौली को ये आदेश दिया गया है। विषय है प्रोन्नति हेतु अध्यापकों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इस आदेश में उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या दिनांक 6/5/2022 का संदर्भ ग्रहण करने की बात कही जा रही है, जिसमें बताया गया है कि सभी विभागों में कार्मिकों की प्रोन्नत करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो दोस्तों जो 6/5/2022 यानी 6 मई 2022 का शासनादेश है वो मुख्य सचिव जी का शासनादेश है। आइए सबसे पहले हम उस शासनादेश को आपको दिखा दें। दोस्तों उस आदेश में जिस शासनादेश का जिक्र किया जा रहा है वो शासनादेश आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश है, जो कि समस्त अपर मुख्य सचिव सचिव उत्तर प्रदेश शासन को आदेशित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे डेट की बात करें तो 6 मई 2022 यानी इसी की बात हो रही है। विषय की अगर हम बात करें तो राज्याधीन सेवाओं में सृजित उपलब्ध पदों को भरने हेतु ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में ये आदेश दिया गया है। और दोस्तों इसी आदेश के आलोक में यहाँ पे ये आदेश जारी हुआ है। चलिए उस आदेश में आगे क्या दिया गया है उसे दिखाते हैं। दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के आदेश के क्रम में आगे की तरफ ये बताया जा रहा है कि उक्त के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों प्राथमिक स्तर एवं सहायक अध्यापकों उच्च प्राथमिक स्तर की सूची उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु प्रारूप एक और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों प्राथमिक स्तर की सूची प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पर पदोन्नति हेतु प्रारूप दो पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस समय दोस्तों इस संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि फंड साइज क्या होगी उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। एक्सेल सीट पे हार्ड कॉपी पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की यहाँ बात कही गई है। सत्येंद्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली। तो दोस्तों आपने देखा कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी के आदेश के क्रम में ही ये आदेश जारी हुआ है, जहां पे शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाने की बात कही गई है। ऐसे में दोस्तों आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष भी इस तरह के आदेश आए थे। वरिष्ठता सूची भी जिलों में वर्तमान में बनी पड़ी है, अभी तक पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। ऐसे में दोस्तों बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की कार्यवाहियां होने के बाद भी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पाई है। बहुप्रतीक्षित मांग शिक्षकों की है कि उनकी पदोन्नति की जाए, उनका स्थानांतरण किया जाए, लेकिन इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब तक कोई विचार नहीं हो पाया है। दोस्तों उम्मीद है कि आने वाले समय में ये दोनों ही प्रक्रियाएं पूर्ण हो पाएंगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगला समाचार आपके प्रेरणा डीबीटी ऐप से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं वो 1.0.0.20 है और जो नया वो अपडेटेड वर्जन इस ऐप का आया है वो 21 है। तो आपको इस ऐप को अपडेट करना होगा और यहाँ पे नीचे अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो यहाँ से अपडेट कर ले, अन्यथा अगर नहीं आता है तो इसकी जगह पे आपको फिर प्ले स्टोर में चलना होगा। चलिए हम आपको प्ले स्टोर में ले चलते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे प्ले स्टोर में और यहाँ पे हम प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस आएगा, इसके सर्च बार में हमको टाइप करना है प्रेरणा डीबीटी ऐप, जैसा कि हम कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रेरणा डीबीटी का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है आप देख सकते हैं। अब यहीं से आपको क्लिक करके अपडेट करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से अपडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों इंतजार करेंगे, इसके बाद ओपन का यहाँ ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप सिंपली ओपन कर सकते हैं और जो आपका अपडेटेड वर्जन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आप ऐप वर्जन देख सकते हैं 1.0.0.21 है, जो कि ये अपडेटेड वर्जन है। ऐसे में दोस्तों इस ऐप में आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले एक फोल्डर नजर आता था, लेकिन अब यहाँ पे चार फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यू रजिस्ट्रेशन का फोल्डर पहले से था, न्यू रजिस्ट्रेशन बच्चों का करना होगा तो इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी फोटो अपलोड 2021-22 ये नया फोल्डर जोड़ा गया है। इसमें आपको करना क्या है, जिन बच्चों को आपने डीबीटी का लाभ दिया है, जिन बच्चों ने पैसा लिया है खाते में उनके पैसा गया है, उन सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी और उन बच्चों के हर एक बच्चे के सामने कैमरे का एक ऑप्शन होगा। उस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुलेगा और उस बच्चे का यूनिफॉर्म में फोटो आपको खींच के यहाँ पे अपलोड करना है। क्लियर। और आगे जो डीबीटी की प्रक्रिया है वो जब शुरू करना होगा आपको, तो डीबीटी की प्रक्रिया के लिए जिसमें आप बैंक अकाउंट, आधार वेरिफिकेशन, अन्य काम करते हैं, तो डीबीटी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये फोल्डर होगा और नीचे की तरफ जितने भी बच्चे वेरीफाइड या ड्रॉप आउट किए हैं उनकी सूची इस फोल्डर में आपको दिखेगी। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो दूंगा, अभी फिलहाल ऐप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जैसे ही ऐप काम करेगा दोस्तों तो इस पर सारी प्रक्रियाओं का हम डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आप नए बच्चों का नामांकन प्रेरणा डीबीटी ऐप से करना चाहते हैं तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो
के लास्ट में स्क्रीन पे ही आपको दिख जाएगी। इसके अलावा अगर प्रेरणा पोर्टल से भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, इस स्क्रीन पे ही आपको लास्ट में दिख जाएगी। यहाँ से क्लिक करके दोनों ही विधियों से आप प्रक्रियाओं को जान सकते हैं कि किस प्रकार से न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।